Hello everyone, how are you? Welcome to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English dost. Today we are here to learn about second poem of class 11, that is the Laburnum Top. Before beginning, I would tell you two things to do. One, you must subscribe to our channel so that you get all the informative videos and the updates regarding them on time, so that you don't miss any learning part from our side. Second is, do sit with your notebook, book and pencil so that you are able to jot down everything which is ultimately going to help you out at the time of revision. So, chaliye start karte hain. The Laburnum Top, written by Ted Hughes. In this poem, the poet has tried to bring an illusion as well as ye poem mein jo hum padhte hain wo ek small instance hai, ek afternoon time ka instance hai, jisme ek bahut shant aaspaas ka area hai aur wahan par ek bada sa laburnum tree erected hai. अच्छा सा फुल्ली ग्रोथ लेबनम ट्री है. तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सिंगिंग बर्ड, ठीक है, जिसका नेम है गोल्डफिंच, वो आती है और दोपहर का टाइम है तो वो अपने आती है ट्री पर. सब कुछ बहुत शांत था. जैसे ही वो ट्री पर आती है, एकदम शोरगुल सा हो जाता है ट्री के ऊपर. कैसे, वो हम पोएम में पढ़ेंगे. और जो ये बर्ड जब भी आती है तो ये बर्ड के जो बेबीज़ हैं वो चिरपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एज सून एज द मदर बर्ड कम्स टू फीड हर चाइल्ड, एज इन द बेबीज ऑफ द बर्ड. सो द पोएम पोर्ट्रेज द चेंज. तो यहाँ पे एक चेंज के बारे में बताया गया है जो कि देखा जा सकता है ट्री पर, ठीक है, क्योंकि पहले ट्री बिल्कुल शांत होता है. जैसे ही चिड़िया आती है बहुत शोरगुल हो जाता है, और जब चिड़िया जाती है फिर से ट्री और आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत हो जाता है. सो दिस इज व्हाट इज देयर इन द पोएम, बट लेट अस लर्न लाइन बाय लाइन थ्रू द स्टैंजास. चलिए लेट अस अंडरस्टैंड स्टैंजा 1. द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing and all its seeds fallen. So here a beautiful image of yellow colored has been framed. कैसे वो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लेबनम ट्री की. लेबनम एक शॉर्ट हाइटेड ट्री रहता है. यूजली इसकी लीव्स या फ्लावर्स का कलर जो होता है वो येलो होता है, ठीक है. तो लेबनम एक ऐसा ट्री है जिसकी लीव्स क्या है, येलो कलर की हैं, ठीक है. सो द एंटायर सीन इज सेट दैट ऑफ अ येलो ट्री, ठीक है, बिल्कुल शांत है. द बिगिनिंग इज वेरी क्वाइट. द पोएम हैज बिगिन ऑन अ वेरी क्वाइट नोट. एंड हेयर क्वाइट मीन्स बिल्कुल कंप्लीटली स्टिल. स्टिल मीन्स नो मूवमेंट. हेयर नो मूवमेंट इज देयर इन द लेबनम ट्री. ओके, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून टाइम. आफ्टरनून में क्या होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा क्या रहती है, ब्राइट रहती है, ठीक है. ब्राइट सनलाइट इज गोइंग टू एमिट येलो कलर, ठीक है. हम भी अगर देखें मॉर्निंग टाइम का सन देखें और इवनिंग टाइम का और आफ्टरनून टाइम का, तो सबसे ज़्यादा हमें ब्राइटनेस जो ट्री सन की लगती है वो हमें लगती है आफ्टरनून टाइम में बीइंग कंप्लीटली येलो. तो यहाँ पे जो आफ्टरनून टाइम है ये भी येलो सिग्निफाई कर रहा है. सेप्टेम्बर सनलाइट, सनलाइट सेप्टेम्बर मंथ हेयर सजेस्ट द सीजन ऑफ ऑटम. अनदर थिंग वी कम टू नो अबाउट द ऑटम सीजन इज अ फ्यू लीव्स येलोइंग. कुछ लीव्स हैं जो कि इसके ऊपर क्या है, येलो हो चुकी हैं, मीन्स दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग शेड, ठीक है. लीव्स पहले हरी भरी रहती हैं, जैसे ये ऑटम सीजन आता है तो वो ड्राई होने लगती हैं, येलो होने लगती हैं और फिर झड़ जाती हैं, ठीक है. तो अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ लीव्स क्या है, येलो हो चुके हैं. एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जितने भी इसके सीड्स हैं वो गिर चुके हैं, ठीक है. एक चीज़ ये क्लियर हो गई, इट इज़ ऑटम साइन.
Another thing is the imagery which has been created of the yellow color. So here we can see what? कि एक लेबनम ट्री है, बहुत शांत है, कुछ मूवमेंट नहीं है उसकी. उसकी जो अपीयरेंस, जो पोएट जब देखते हैं वाइल गोइंग ऑन टू द वे, वो एक देखते हैं बिल्कुल शांत येलो कलर का ट्रीज जिसकी सीड्स गिर चुके हैं, जिसकी कुछ पत्तियां हैं जो बची हुई हैं, क्योंकि ऑटम सीजन है इसलिए अधिकतर पत्तियां झड़ चुकी हैं और जो बची हैं वो भी येलो हो चुकी हैं. एंड इन द नियर टाइम दे विल शेड. ठीक है, और जो टाइम है जिस टाइम पोएट जो है एक लेबर्नम ट्री को देखते हैं वो टाइम है द टाइम ऑफ आफ्टरनून. ओके, अनदर थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द एलिट्रेशन पार्ट, द पोएटिक डिवाइस. ठीक है, एलिट्रेशन कहाँ फॉलो हो रही है वो देख लेते हैं. एलिट्रेशन इज बीइंग फॉलोड इन सितंबर एंड सनलाइट, टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, दो लगातार ऐसे वर्ड जिनके बिगिनिंग साउंड्स, वर्ड की बिगनिंग लेटर्स की जो साउंड है वो सेम है, सेप्टेम्बर सनलाइट. सो इट इज एलिट्रेशन. अनदर इज क्लियर. लेट अस स्विच ऑन टू, लेट अस मूव ऑन टू सेकेंड स्टैंजा. सो इन स्टैंजा टू वी सी अ चेंज इन द ट्री. ठीक है, एक पेड़ में हमें चेंज दिखता है, वो कौन सा पेड़ है, लेबनम ट्री. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन देने से पहले बता देती हूँ कि येलो कलर जो है उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले हुआ है. सब कुछ येलो है, ट्री येलो, सीजन सितंबर, ऑटम का टाइम जिस टाइम सारी लीव्स येलो टर्न हो चुकी होती हैं, आफ्टरनून टाइम जिस टाइम सनलाइट सबसे ज़्यादा येलोइश होती है, उसके बाद यहाँ पे गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो भी गोल्डन कलर है, येलो कलर जिसके विंग्स हैं, एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड जिसके विंग्स क्या है, येलो कलर के रहते हैं. तो ये येलो कलर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है थ्रू आउट द पोएम. ठीक है, तो येलो कलर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कुछ एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं येलो कलर के साथ. जैसे पीस के लिए हम व्हाइट कलर यूज करते हैं. ठीक है, सिंबलाइज करता है व्हाइट कलर किसको, पीस को, शांति को. इसी तरीके से येलो कलर सिंबलाइज करता है साइलेंस को, डेथ को, साथ साथ ब्यूटी को. ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइलेंस भी देखने को मिली है, हमें यहाँ पे पोयम में ब्यूटी भी देखने के लिए मिलेगी. ऐसा नहीं है कि डेथ भी देखने को मिलेगी, बस ये एट्रीब्यूट साथ साथ चलते हैं. ठीक है, येलो कलर ये सिग्निफाई करता है, अब सारे प्रेजेंट हैं उसमें या नहीं है ऐसा होना जरूरी नहीं है. तो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद द ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, she enters the thickness and the machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. So poem ki explanation dekh lete hain line to line. Till the goldfinch comes. So tree kab tak shant tha? Sirf us time tak jab tak goldfinch tree par nahi aayi thi. Ab goldfinch tree par kab aa rahi hai? Ho sakta hai wo one tree to another tree move kari hogi. She would have moved from one tree to another tree, maybe from one branch to another branch. Okay, maybe she was taking the flights, matlab udaan bhar rahi thi, ud rahi thi, and she has come and perched upon the tree. What does perching upon mean? Perching ka matlab kya hai, wo ud rahi thi, to aakar jab wo udne ke baad baithti hai use hum bolte hain perching. Theek hai, ये वर्ड्स यूजुअली हम बर्ड्स के लिए ही यूज करते हैं. ठीक है, जब वो उड़ रही हैं और तब आके वो कहीं बैठ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्चिंग. ठीक है, सो एक ट्री तब तक शांत था जब तक गोल्डफिंच नहीं आई थी, क्योंकि गोल्डफिंच के आने से ट्री में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. और पहला, सबसे पहला चेंज ये है कि वो कैसे आती है, शी कम्स विद ट्विचिंग चिरप. ट्विचिंग मीन्स रैपिड. ठीक है, चिचियाने की आवाज़ को बताया गया है जो श्रिली है, बहुत ज़्यादा हाई पिच्ड है, पैनी आवाज़ में जो है चिड़िया जैसे बोलती है बिल्कुल उसी तरीके से उसने चिचियाया. और उसके बाद एक सडननेस, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस,
पोएट ऑब्जर्व करते हैं वाइल ही इज ऑन द वे, और जब वो जा रहे थे तो जब उन्होंने लेबोनम ट्री को देखा तो वो शायद रुक गए, और रुकने के बाद जो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया एक अलग ही स्ट्रेंजनेस थी। वो स्ट्रेंजनेस क्या थी? इट वॉज अ स्टार्टलमेंट। स्टार्टलमेंट मीन्स एक सडन अलार्मिंग सी हो गई, ऐसा लगा जैसे चिड़िया के आने से कोई अलार्म बज गया हो, उसके चिची आने से कोई अलार्म बज गया हो। और वो कहाँ आकर बैठी थी? एट द ब्रांच एंड। सबसे पहले तो वो ट्री की ब्रांच के एंड पर बैठी थी, ठीक है, किनारी पर। अब उसके बाद डेंसली एज अ लिजर्ड बोला गया है, दैट इज स्मूथ, मतलब उसकी जो मूवमेंट है ट्री के अंदर जाने की वो उसको बहुत ज्यादा क्या बोला गया है, स्लीक, क्वाइट जस्ट लाइक अ लिजर्ड, ठीक है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, वो ध्यान देती है, इधर उधर देखती है, बिकॉज द बर्ड विच हैज कम हियर इज अ मदर बर्ड, क्योंकि जो चिड़िया यहाँ आई है वो क्या है, एक मदर बर्ड है। और जब वो जब ट्री में वो अंदर जा रही है, ठीक है, ट्री के अंदर जा रही है, तो वो बहुत अलर्ट है कि आसपास कोई है तो नहीं, कोई उसे देख तो नहीं रहा। और एब्रप्ट भी है, मीन्स शी इज मेकिंग क्विक स्टेप्स, शी इज मेकिंग क्विक मूवमेंट्स टू गो फर्दर इनटू द ट्री। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस का मतलब घनापन नहीं, थिकनेस मीन्स वो पार्ट ट्री का जहाँ पर बहुत सारी लीव्स है, मीन्स द इंटीरियर, द इनर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रांच, ठीक है। एंड मशीन स्टार्टअप, और उसके बाद पहले तो यहाँ पे एक अलार्मिंग थी, ठीक है, अगर हम एक स्टैंजा के फर्स्ट पार्ट में देखें तो एक अलार्म सा बज गया था, ठीक है, अलार्म मीन्स देयर वाज नॉइस, ठीक है, लेस नॉइस, अभी जो आवाज़ है वो लेसर है। अब जैसे ही वो अंदर पार्ट में मूव करती है ट्री की, एक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन, कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, और वो मशीन का स्टार्ट होना क्या इमेज इवोक कर रहा है, कैसे लगता है कि एक मशीन स्टार्ट हुई है, ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग मतलब चिचियाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिटरिंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाया जाना, एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मतलब अलग 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 आवाज़ जो आ रही है चिचियाने की, ठीक है, वो किसकी आ रही हैं, ये सब आवाजें किसकी हैं, द वॉइसेस ऑफ द बेबीज ऑफ बर्ड, उस बर्ड के बेबीज की है, क्योंकि जैसे ही उन बेबीज ने अपनी मामा को देखा, ठीक है, उनको आते हुए देखा, जैसे ही मदर ने आते ही ट्री पर अपनी एक अलार्म दी, अपनी आवाज दी, एक पुकार दी अपने बच्चों को, जैसे ही वो अंदर तक पहुंचती है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे जो कि नेस्ट में हैं, वो सब, ठीक है, एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, एकदम से मूवमेंट करने लगते हैं, और अपनी मदर को देख के अपने एक्सप्रेशंस उन्होंने शो किए हैं, विच इज़ थ्रू चिटरिंग एंड ट्रिलिंग। ट्रिलिंग मतलब अलग अलग नोट पर, बहुत सारे बेबीज हैं तो अब हर कोई अलग अलग आवाज़ निकाल रहा है, एक साथ कोरस में तो नहीं निकालेंगे ना, जैसे हम असेंबली में करते हैं या टीचर के साथ करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, एक साथ तो नहीं बोलते वो। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्कूल में ऐसे एक साथ बोला करते थे, हम सब बोलते हैं, पर यहाँ पे जो बर्ड्स बेबी के बर्ड्स के बेबीज ने जो आवाज़ निकाली वो क्या, अलग अलग नोट पर, अलग अलग चिड़िया अलग अलग बोल रही है, और बहुत पतली सी प्यारी सी आवाज़ वहाँ से आ रही है, तो उन्हें बोला गया है चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और उससे पूरा ट्री जो कि बिल्कुल साइलेंट था पोएट के ऑब्जर्व करने पर, वो अब क्या हो चुका है, कम्प्लीटली मूवमेंट में है, और वो पूरा ट्री ट्रेम्बल करता है, शेक करता है, वाई, बिकॉज द चिल्ड्रन द बेबीज ऑफ द बर्ड इन द नेस्ट हैव स्टार्टेड मूविंग और टॉकिंग विद द मदर। सो बेसिकली व्हाट द मदर हैज कम हियर टू डू, मदर यहाँ अपने बेबीज को क्या करने आई है, फीड करने आई है, ठीक है, शी वुड हैव ब्रॉट सम इंसेक्ट्स और फूड फॉर हर, फूड ग्रेन्स फॉर हर चिल्ड्रन, एंड नाउ शी विल फीड देम, राइट। ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स मतलब वो जो जेस्चर है पूरे ट्री का ट्रेम्बल होना, और उसके बाद डिफरेंट साउंड्स का आना एक एक्साइटमेंट इवोक करता है इन द आईज ऑफ द रीडर्स एज वेल एज द पोएट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार पोएटिक डिवाइसेस भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली का मतलब दो चीज़ों को जब हम लाइक और एज यूज करके, दो वर्ड्स हैं लाइक और एज,
एज और लाइक, इन दो वर्ड्स को अगर यूज करके हम किन किन ही दो चीज़ों को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनको कंपेयर करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सिमिली। और यही अगर हम एज और लाइक वर्ड को यूज़ ना करें और तब भी कंपैरिजन करें दो चीज़ों में, तो उसको बोलते हैं, उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं मेटाफर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं स्लीक एज लिजर्ड। लाइन 3 में हमें मिल रहा है स्लीक एज लिजर्ड में, चिड़िया को जो उसकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल, और जो उसकी मूवमेंट है बहुत क्वाइट एंड रैपिड। ठीक है, फटाफट उसने जो है वो अंदर मूव कर जाती है टुवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। तो यहाँ पे जो है उसकी मूवमेंट को, स्मूथनेस को कंपेयर किया गया है लिजर्ड की मूवमेंट से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लाइन 3 में सिमिली है। बात करते हैं मेटाफर की, तो मेटाफर हमारे पास यहाँ पे अ मशीन स्टार्ट्स अप। जो ट्री में जितनी भी मूवमेंट हुई है, जितनी भी नॉइसेस आई हैं, वो सारी नॉइसेस कंपेयर की गई हैं जस्ट लाइक द नॉइस अ मशीन मेक्स। ठीक है, एक मशीन से आने वाली आवाज को कंपेयर किया गया है चिड़ियों के चिचियाने से या गोल्डफिंच के आने से, और चिचियाने को जो वो एक वेरिटेबल बेडलम क्रिएट हो गया है उसको मशीन की वॉइस से कंपेयर किया गया है। इसीलिए यहाँ पे इस पार्ट में अंडर मशीन स्टार्ट्स अप में हमारे पास मेटाफर है। ठीक है, इट इज इन लाइन 4। ओके, सो नाउ लेट अस सी स्टैंजा 3। सो लेट अस स्टार्ट विद स्टैंजा 3। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। सो बेसिकली यहाँ पे अब बर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी फैमिली में वो हाईलाइट किया गया है। देन यहाँ पे इट जो बोला है वो बोला गया है मदर बर्ड को, मदर बर्ड, दैट शी इज द इंजन ऑफ द फैमिली। एंड व्हाई इज शी कॉल्ड द इंजन ऑफ द फैमिली, बिकॉज शी इज रनिंग हर फैमिली। एक इंजन ही होता है जो बाकी डब्बों को खींचता है। सिमिलरली लाइक दैट द मदर, जो मदर बर्ड है वो भी अपनी फैमिली को रन कर रही है। ठीक है, शी स्टोक्स इट फुल, शी स्टोक्स इट फुल, मतलब यहाँ पे इट जो है वो फैमिली के कंटेक्स्ट में है, और यहाँ पे शी जो है वो फिर से कौन है, मदर बर्ड, दैट इज द गोल्ड फिंच, जो कि क्या है, एक गोल्ड फिंच बर्ड। ठीक है, दोनों ही लाइंस में इट का मतलब अलग है। यहाँ पे इट का मतलब है उस, इट का मतलब है मदर बर्ड, जो कि अपनी फैमिली के लिए क्या है, एक इंजन है। ठीक है, कंपेयर किया गया है एक इंजन से, जिस तरीके से एक इंजन मेन पार्ट होता है किसी भी व्हीकल का, उसी तरीके से मदर क्या है, फैमिली का मेन पार्ट है। शी स्टोक्स इट फुल, शी स्टोक्स इट फुल मीन्स शी फीड्स हर फैमिली कंप्लीटली फुल्ली, पूरे अच्छे से अपनी फैमिली को वो क्या करती है, फीडिंग करती है। जिस तरीके से एक ट्रेन को क्या चाहिए होती है, स्टोकिंग, तो वैसे क्या होता है, लकड़ी चेंज करते रहना या कोल चेंज करते रहना, जब पुराने ज़माने में हमारे पास स्टीम इंजन्स हुआ करते थे। ठीक है, जो कोल वगैरह से चलते थे, तो उनकी बात करें तो उसमें क्या है, बार बार कोयला या लकड़ी जो है चेंज करते रहना पड़ता था, ताकि वो सारी साइड से बर्न हो और प्रॉपर फ्यूल एनर्जी का काम करे। ठीक है, एनर्जी देने का काम करे। देन इट फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट्स आउट मीन्स रैपिड क्विक मूवमेंट टूवर्ड्स द ब्रांच एंड। ठीक है, रैपिड एंड फ्लैपिंग, रैपिड मूवमेंट एंड फ्लैपिंग, तो वो फुदक फुदक कर, ठीक है, रैपिड मूवमेंट बताई गई है, फटाफट बहुत जल्दी जल्दी वो क्या करती है, फुदकती है और अपने विंग्स को फ्लैप करती हुई वो कहाँ पहुँच जाती है, ब्रांच के एंड पर, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन शी हैज फुलफिल्ड हर ड्यूटी। तो यहाँ पे मदर बर्ड ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है, अपनी फैमिली को फीड किया है, नाउ देन शी इज टेकिंग अ बैकग्राउंड, पर कहाँ वो अभी नहीं बताऊंगी, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बार्ड फेस आइडेंटिटी, बार्ड का मतलब क्या है, बिहाइंड द बार्स। ठीक है, बार्ड का मतलब है बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे, पर यहाँ पे वो सलाखों के पीछे नहीं है, यहाँ पे जो बार्स बोला गया है वो क्या है, शैडो ऑफ,
shadow of leaves and flowers. Leaves are branches, ठीक है? तो branches और leaves की जो भी shadow है वो उसके face के ऊपर पड़ रही है, जो उसे क्या है, एक dark color दे रहे हैं और उसकी identity का mask बन गया है. Mask means which cover up something, ठीक है? एक मुखौटा जो कि real identity को छुपा लेता है. बिल्कुल उसी तरीके से जो shadow थी leaves और branches की, उसने क्या किया है, cover up कर लिया है गोल्डफिंच की आइडेंटिटी को. जिस तरीके से वो बहुत कॉशियसली ट्री पर आई थी, इधर उधर देख कर कि कोई चिड़िया देख तो नहीं रही, कहीं उसके बच्चों को ना खा जाए उसके एब्सेंस में, इसलिए वो बहुत ध्यान से कॉशियसली ट्री पर आई थी और बच्चों को फीड किया. उसके बाद अब जब जाने की बारी है, तो यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी का जो मास्क है, जो कवर अप करने वाला पार्ट जो है, वो लीव्स और ब्रांचेस की शेडो ने वो काम किया है. एंड दैट इज वाई हर फेस हैज बीन कॉल्ड एज बीइंग बर्ड, ठीक है? कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं. अभी वो समझने वाली चीजें यहाँ पे आती हैं लिटरेरी डिवाइसेस में. वन इज मेटाफर. अब यहाँ पे कुछ चीजों का मेटाफर यूज किया है. वो मेटाफर कहाँ यूज किया और कैसे किया वो देख लेते हैं. मेटाफर का मतलब है दो चीजों के बीच का सिमिलैरिटी, ठीक है? जब हम चीजों के बीच में सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ सम क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे देखें, अगर हम शोइंग हर बर्ड फेस में उसकी आइडेंटिटी, जो उसका फेस है वो कैसा है, बर्ड, ऐसा लग रहा है वो सलाखों के पीछे है. बट क्या वो सच्ची में सलाखों के पीछे है? नो, ठीक है? बस एक उसका जो यहाँ पे छिपा होना है, यहाँ पे छिप कर दिखना है, वो जस्ट उसकी तरह है जैसे एक किसी भी प्रिजनर को रखा जाए या बिहाइंड बीइंग द बर्ड्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक मेटाफर यूज हुआ है. दूसरा मेटाफर हमने यहाँ यूज किया है इंजन में. इंजन बोला है मदर बर्ड को फैमिली के लिए, बिकॉज शी इज द वन विच इज ड्रॉइंग द, दैट इज ड्रॉइंग द फैमिली, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसको समझ लेते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है. जब किसी ऑब्जेक्ट वन की क्वालिटी हम किसी ऑब्जेक्ट टू को दे देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. जैसे यहाँ उसका फेस जो है, जो कि बार्ड है, मतलब फेस के ऊपर जो शैडो आ रही है, किसकी शैडो आ रही है, लीव्स और ब्रांचेस की, वो एक मुखौटे का काम कर रही है. बट क्या उन्होंने ये चीज फेस को एट्रीब्यूट दिया? ये फेस का एट्रीब्यूट किसको दे दिया गया है, एक मास्क को. ये काम कौन कर रहा है, एज इफ ये फेस नहीं हो, क्या हो, मुखौटा हो. इसलिए ये जो फेस की क्वालिटी है किसके पास जा चुकी है, मास्क के पास. यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है यहाँ पे इस लाइन में, और इस लाइन में मेटाफर भी है, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे लास्ट स्टैंजा की तरफ. स्टार्टिंग विद द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, देन विद एरी delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है the departure of the goldfinch. Departure of goldfinch, ठीक है? So then with air delicate, delicate means very soft. ठीक है, बहुत कॉशियसली, ध्यान से. एरी मीन्स फियर इंस्पायरिंग. फियर इंस्पायरिंग कैसे कह सकते हैं, फियरसम कैसे कह सकते हैं, या स्ट्रेंज भी कह सकते हैं. तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज कह सकते हैं, स्ट्रेंज और डरी सी, हल्की सी, लो वॉल्यूम में वो क्या करती है, लो आवाज़ में वो थोड़ी सी विस्परिंग करती है, फुसफुसाना. विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना. तो अपने बच्चों से एज एफ वो लास्ट विसल में चिरपिंग कर रही हो, एंड एज एफ शी इज सेइंग बाय टू हर स्टूडेंट्स, ठीक है? कि वो जाने के लिए अब रेडी है, तो शी इज सेइंग बाय टू हर स्टूडेंट्स टिल द टाइम शी रिटर्न्स द नेक्स्ट टाइम हियर. तो तब तक ऐसा लगता है कि वो जैसे अपने बच्चों को बाय करके जा रही है, और बहुत कॉशियसली, ध्यान से. थोड़ा डर भी है कि कोई आसपास चिड़िया सुन ना ले कि यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे चिड़िया के, और कहीं आके वो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो जो बर्ड्स जो कि स्केवेंजर्स यूजुअली होती हैं, वो आकर कहीं इनको खाना चाहिए. इसलिए वो बहुत कॉशियसली, ठीक है, हल्के से बोल के चली जाती है. और कैसे जाती है वो, शी लॉन्चेस अवे. लॉन्चेस अवे मीन्स शी टेक्स द फ्लाइट.
शी टेक्स अ फ्लाइट. फ्लाइट का मतलब एरोप्लेन पे नहीं बैठी है, शी टेक्स अ फ्लाइट मतलब उड़ान भर लेती है एंड टूवर्ड्स द इन्फिनाइट. इन्फिनाइट का मतलब है स्काई, ठीक है, कि वो स्काई की तरफ उड़ जाती है. एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और बेचारा लेबर्नम जो है बिल्कुल अकेला सुना, अलोन, लिस्टलेस, स्टिल और साइलेंट हो जाता है. एज इफ नो वन लिव्स देयर. और इस बार लेबर्नम जो है वो कैसा है, फिर से बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्टार्टिंग में था बर्ड के आने से पहले, वो बिल्कुल ही अब उसकी सिचुएशन पहले जैसी हो गई है, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे है पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन मतलब कि यहाँ पे हमने किसी चीज़ को लिविंग जैसा बताया, जैसे यहाँ पे लेबर्नम को हमने क्या बताया कि वो खाली हो गया, ठीक है. सबसाइड्स टू एम्प्टी मतलब वो अकेला रह जाता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन. एलिट्रेशन की हम बात करें तो विसल और विस्परिंग्स, ठीक है, वी वी की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. अब पोएम में देखिए तो स्टार्टिंग में, पोएम के स्टार्टिंग में लेबर्नम ट्री बिल्कुल शांत था, ठीक है. पोएट ऑब्जर्व करता है तो वो बिल्कुल एक येलो फिगर की इमेज रहती है, ब्राइट येलो सन शाइनिंग, येलो फिंच, गोल्डफिंच बर्ड, येलो ट्री विद येलो लीव्स एंड द टाइम इज ऑफ ऑटम. तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक ट्री जो कि बिल्कुल शांत है, एक चिड़िया के आने से एक उसमें मूवमेंट सेट हो जाती है, ऐसा लगता है कोई इंजन कोई मशीन काम करने लग गया है. और जो वो चिड़िया जो है अपने बच्चों को फीड करके चली जाती है तो लेबर्नम ट्री उस एटमॉस्फेयर में फिर से बिल्कुल क्या हो जाता है, अलोन हो जाता है. ऐसा लगता है वो बिल्कुल अकेला हो गया है, शांत पड़ गया है और बिल्कुल स्टिल हो जाता है, ठीक है. कुछ जगहों पर हमने पर्सोनिफिकेशन और ओनोमेट्रोपिया डिस्कस करना है, वो कर लेते हैं एंड देन विल से एड्यू टू यू. सो इन स्टैंजा टू हमने ये देखे थे दो पोएटिक डिवाइस, इनको भी देख लेते हैं. दैट इज ओनोमेट्रोपिया. ओनोमेट्रोपिया होते हैं साउंड वर्ड्स का यूज होना, जैसे स्टैंजा फोर में हुआ उसी तरीके से स्टैंजा टू में भी हमने ओनोमेट्रोपिया को देखा है. दैट इज चिरपिंग एंड ट्रिलिंग्स, ये दोनों ही साउंड वर्ड्स हैं और साउंड वर्ड जब भी कहीं पर यूज़ होते हैं तो वहाँ पे हम ओनोमेट्रोपिया का यूज़ करते हैं. देन हिज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन वो पोएटिक डिवाइस, वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को या किसी एक एनिमल को लिविंग बींग वाले, ह्यूमन बींग्स वाले एट्रीब्यूट्स दे देते हैं. तो जैसे पूरा पेड़ कप कप आया और एक्साइटेड हो गया, ट्रिल्स मीन्स एक्साइट्स, ठीक है. तो एक एक्साइटमेंट सी, एक जान भर गई थी. कब भर गई थी जान, जब चिड़िया आकर पेड़ के ऊपर बैठी थी और उसने मूवमेंट किया था जैसे ही वो अपने बच्चों के पास गई थी. तो यहाँ पे पूरे ट्री में जो वो ट्रेम्बलिंग और वो जो एक्साइटमेंट का जेस्चर दिखाया गया है, ये ट्री को हमने एक लिविंग बींग की, एक ह्यूमन बींग की एट्रीब्यूट्स दिए हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. So I hope you have understood the poem, you have written everything, you have written every explanation I have given you. So that now, one thing you have to do is do give a like to the video and do give your feedback, suggestion, your love and support in the comment box. We'll meet in the next class with a new poem or a chapter. Till then, stay tuned, keep watching, keep sharing, because sharing is caring. Thank you so much. Bye-bye.